सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो भाई लास्ट तक देखना। जिसके पास भी रनो क्विड है उसके लिए तो भाई एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ ये बात। तो जैसे भाई आप लोगों सबको पता है मैं अभी अभी रायगढ़ गया था, जहाँ मैं बहुत घूमा इधर उधर, और वापस आते टाइम मेरे को एक प्रॉब्लम हो गया था गाड़ी में। ये जो लाइट है दिखा देता हूँ, ये वाली लाइट, ये भाई जलने लग गया था और गाड़ी बंद पड़ गया था, बिल्कुल भी चालू नहीं हो रहा था। सिर्फ सेल्फ ले रहा था लेकिन चालू नहीं हो रहा था, तो मैं भाई बहुत परेशान हो गया था उसके बाद। सो भाई अगर आपके गाड़ी में भी यही प्रॉब्लम आ रहा होगा, ये लाइट जल रहा होगा, तो भाई इसका सिर्फ दो या तीन ही कारण होता है। तो भाई सबसे पहला कारण होता है जो वो गाड़ी का फ्यूज़ उड़ जाएगा। अगर गाड़ी में दो जगह बॉनेट के पास होता है और एक को पैसेंजर साइड में फ्यूज़ लगा होता है, अगर दोनों में से कहीं का भी एक ठो फ्यूज़ उड़ गया तो भाई ये लाइट जलेगा और गाड़ी चालू नहीं होगा। और दूसरा है अगर कहीं का भी वायर कट गया, जो सेंसर से रिलेटेड होगा वो अगर तार कट गया तो भाई वो लाइट जल जाएगा और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। और तीसरा भाई ऐसा है जो कोई ध्यान भी नहीं देगा, ऐसा जगह का है, तो उस चीज़ को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो भाई लास्ट तक देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ है। तो भाई जब आपकी गाड़ी में ये लाइट जलने लगेगा तो सबसे पहले आपको ये करना है कि बॉनेट उठा के भाई यहाँ पर एक फ्यूज़ होता है लेफ़्ट साइड में, उसको चेक कर लेना। अगर वो सही रहा तो भाई सीधा ये को पैसेंजर साइड में एक और फ्यूज़ होता है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, इस जगह में, यहाँ नीचे में एक और फ्यूज़ होता है इस जगह में। इसको पहले निकाल लेते हैं, निकाल के दिखा देता हूँ इसको। तो भाई इसको धीरे से खींचने में ये निकल जाता है, आराम से खींचना, ये निकल गया। तो भाई देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे फ्यूज़ हैं, इनमें से एक फ्यूज़ होता है उस लाइट का एक्सीलेटर पैडल का होता है, जो एक्सीलेटर पैडल के कारण भी वो जलता है। तो वो फ्यूज़ है ये बीच वाला, ये बीच वाला जो फ्यूज़ है भाई, इसमें से एक बार निकाल के एक बार चेक कर लेना सभी फ्यूज़ को कि वो कटा है कि नहीं कटा है। अगर वो फ्यूज़ सही है तो भाई अपन जो सोच रहे हैं पीछे पेट्रोल का, वो हो सकता है। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे मेरा गाड़ी का फ्यूज़ पूरा सही था, तो मेरे गाड़ी में यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, और सामने वाले बॉनेट के पास जो फ्यूज़ होता है वो भी पूरा ठीक था, तो भाई वहाँ से भी प्रॉब्लम नहीं था। मेरे गाड़ी में प्रॉब्लम था भाई उसके पेट्रोल का, फ्यूल पंप का। भाई मेरे गाड़ी के इंजन में पेट्रोल नहीं जा रहा था, इस कारण वो लाइट जल रहा था और मेरा गाड़ी चालू नहीं हो रहा था। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ वो। तो भाई इसका जो फ्यूल टैंक है वो राइट साइड में होता है क्विड में, और जो टंकी है इसका ये इस सीट के नीचे है, देख सकते हो यहाँ से पाइप गया हुआ है इसका। तो अपन को कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ ये सीट को निकालना है, ये सामने से ऐसे खींचने में निकल जाता है। इसको निकाल लेता हूँ पूरा, तो ये अपना सीट निकल चुका है। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये बीच में ये जो तार जा रहा है अंदर, ये वाले इस प्लेट को हटाना पड़ेगा अपने को, तो इसको हटा लेते हैं। ये थोड़ा चिपका रहता है डामर से या कुछ जो भी गम हो उससे चिपका होता है, तो इसको निकाल लेते हैं। और ये जो फ्यूल पंप है भाई, ये मेरे गाड़ी का इसका जो मोटर है वो ख़राब हो गया था, और उसके कारण भाई पेट्रोल जो जा नहीं रहा था इंजन में और वो लाइट जल रहा था बार बार। इसको खोलने के लिए अपन को जैसे चेक करना है तो आठ नंबर का पाना लगेगा, पांच छह नट इसमें लगे हुए हैं, तो आठ नंबर के पाने से खुल जाएगा और उसके बाद इसको बाहर निकालेंगे। सो मैं भाई आप लोग को दिखाने के लिए इसको बाहर निकाल लेता हूँ, आपको ऐसे डायरेक्ट बताऊँगा तो समझ में नहीं आएगा। तो भाई देख लो, मैंने इसका फ्यूल पंप जो है निकाल दिया है गाड़ी से, और उसके बाद अब ये क्लियर मैं आपको समझा सकता हूँ। देख सकते हो इसका ये मोटर है, ये जो सिल्वर कलर का है जो यहाँ सीट के नीचे में लगता है यहाँ पर, और इसमें जो प्रॉब्लम हुआ था भाई, इसका मोटर ख़राब था, बाकी पूरा सब सही है। और मोटर ख़राब हुआ था इसका, मेरे का वो पूरा इसमें धूल लग गया था, धूल जम गया था, क्योंकि इसका जाली जो नीचे फ़िल्टर देख सकते हो, ये फ़िल्टर पूरा का पूरा गंदा हुआ पड़ा है, इसमें पूरा धूल जमा हुआ है इतना मोटा, क्योंकि भाई पता नहीं कब ना कब से ये साफ़ नहीं हुआ था, इस कारण इसका मोटर पूरा जाम हो गया था। ये मोटर अपना जाम हो गया है, और इसका ये फ़िल्टर देख सकते हो, ये फ़िल्टर है। अगर इसको चेक करना है तो बैटरी से डायरेक्ट इसको चेक कर सकते हैं, इसमें दो ये दो दो प्लग टाइप का दिया हुआ है मोटर से डायरेक्ट उसमें टच करके, अगर ये चालू हुआ तो ठीक है, और नहीं तो फिर भाई पता है यही ख़राब है। देख सकते हो ऐसा दिखता है इसका फ़िल्टर, जो कि पूरा गंदा हो चुका है, इसी की वजह से भाई जाम हुआ है मेरा मोटर। तो ये है भाई इसका मोटर, और यहाँ से जाता है अपना पेट्रोल,
यहीं पर कचरा फंसा होगा। अब इसको साफ़ करवाने उस टाइम टाइम नहीं था मेरे पास, तो सो भाई मैंने चेंज कर दिया। इसको निकाल के देखता हूँ, यहाँ से जो तार है वहाँ से भाई बैटरी में कनेक्ट करके चेक कर सकते हो कि ये सही है या नहीं है, वो तुरंत पता चल जाएगा। और ये जो मोटर है भाई आपको क्विड का है, 1200 का मिल जाएगा। 1200 से भाई डिस्काउंट भी पड़ सकता है, ऑनलाइन में कम भी पड़ जाएगा। और जो पूरा सेट है ये वो 3500 का पड़ेगा आपको, अगर पूरा सेट ख़राब हुआ होगा तो। वैसे सेट जल्दी ख़राब नहीं होता पूरा, जो इसमें ख़राब होने वाला चीज़ है वो इसका मोटर ही है। मैंने इस मोटर को चेंज किया और मेरे गाड़ी फिर वर्क करने लगा और वो लाइट हट गया। तो भाई इसको चेंज करते ही आपका वो जो लाइट है वो चला जाएगा और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।